सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आखिरकार इतने दिनों के इंतज़ार के बाद मैं अपने होम टाउन जा रही हूँ। काफ़ी दूर चलने के बाद हमें ऑटो मिला, वहाँ से हमने ऑटो ली और हम स्टेशन के लिए निकल पड़े। स्टेशन पहुँच कर पता चला कि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत भीड़ है, बहुत 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 भीड़ है। लोग अपने घर जाने के लिए सुबह सुबह ही ट्रेन पकड़ने के लिए आ गए हैं। सीढ़ी चढ़ कर ऊपर आए तो वहाँ से स्टेशन का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिला हमें। फिर वहाँ से हम अपनी ट्रेन पर चढ़े और फिर इंतज़ार करने के बाद आखिरकार हमारी ट्रेन खुल गई। ट्रेन खुलने के बाद हमने ट्रेन पर मज़े लिए, काफ़ी कुछ खाया पिया। अभी तक तो ट्रेन में लोग ज़्यादा नहीं चढ़े हैं, बट आपको थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर। पटना स्टेशन पर जैसे ही हम पहुँचे वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। और अब सूर्योदय भी हो चुका है, आप देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है सुबह। मुझे ट्रेन की सबसे अच्छी खासियत यही लगती है कि मैं ट्रेन पर बैठे बैठे सूर्योदय हो देख सकती हूँ, खेतों के नज़ारे देख सकती हूँ। देख सकते हो वहाँ पे पेड़ों में मंजर भी आ गए, आम के पेड़ों में काफ़ी मंजर था, काफ़ी सुहाना लग रहा था वो पेड़ सब। और अब हम फाइनली ट्रेन से उतर गए हैं, वापस जा रहे हैं हम ऑटो लेने के लिए ताकि हम अपने गाँव जा सकें। तो मिलते हैं गाइस अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा।